नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और आप देख रहे हैं भारत 24/7। इस वक्त हमारी मौजूदगी है एनर्जी पार्क के ठीक अपोजिट साइड, जहां पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं फूड ट्रक लगा हुआ है। जी हाँ, आपने बिहार में देखा होगा कि लड़कियों के बारे में, जैसे कि अभी फिलहाल ही में ग्रेजुएट प्रियंका गुप्ता जो चाय बेच कर अपना नाम ज़्यादा फेमस कर रही हैं, उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर चाय वाली भी, तो उसी प्रकार यहाँ भी दो महिलाएँ, एक भाभी और एक ननद, दोनों मिलकर ये फूड ट्रक को चलाती हैं। आपको बता दें, बिहार में ज़्यादातर ननद और भाभी के बीच में जो नोक झोंक और एक दूसरे के साथ पटता बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अजूबा है। इसलिए मैं आज आपको ये कंटेंट दिखाना चाह रही हूँ कि ननद और भाभी के जोड़ी को मुझे सलाम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ज़्यादातर बिहार में देखा गया है पटता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, उन लोगों से आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों के माइंड में ये आइडिया कैसे आया एक फूड ट्रक खोलने का। जैसे कि आप जनरली देखे होंगे पटना में ग्रेजुएट चाय वाली और उसके बाद आत्मनिर्भर चाय वाली धीरे धीरे वो फेमस होते जा रही हैं अपने चाय के बदौलत, उसी प्रकार आज भी हम आपको एक कंटेंट लेकर आए हैं जिससे कि आपको दिखाएंगे कि ननद और भाभी की जोड़ी कितनी रंग ला रही है। जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इस स्टॉल का नाम है तृप्ति। अभी तृप्ति का मतलब क्या है ननद और भाभी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेनू भी लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भेज नूडल्स भी मिलता है, हक्का नूडल्स भी, बहुत सारा प्रकार का अलग अलग है आप देख सकते हैं। चलिए अब हम ननद और भाभी से बातचीत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ननद और भाभी की जोड़ी लग चुकी है, तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह। और आपका? जूली सिंह। अच्छा, ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से मिला? ये मैं करती थी जोड़ते, मतलब अपनी सोसाइटी में गुड़गांव में पहले, तो इसलिए इसी को आगे बढ़ाना था, यहाँ पे बन गया था, तो इसको पैशन बनाना था। अच्छा, दोनों साथ में काम करती हैं या सेफ रखी हुई हैं? सेफ भी है। आप भी कुछ बनाती हैं? हाँ हाँ, बर्गर बनाती हूँ मैं, और अगर सेफ छुट्टी पे रहते हैं तो मैं खुद सारा कुछ बना सकती हूँ। अच्छा, ये पहले आपने कुछ पहले माइंड में चला होगा ना कि हम पहले ट्राई करते हैं फिर उसके बाद इतना बड़ा स्टॉल के बारे में सोचेंगे? हाँ, पर घर पे लाइक लॉकडाउन में तो बहुत चीज़ें ट्राई की, अच्छा रिस्पांस मिला फैमिली का, नेबर्स का, फ्रेंड का, तो उसके बाद लगा कि नहीं, इसको थोड़ा बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए। जनरली देखा गया है बिहार में खासकर महिलाओं को ज़्यादा ये सब नहीं मिलता है कि बाहर रोड पर जाकर अपना स्टॉल खोले या कुछ अलग अलग तरह के काम करें, लेकिन आपके घर से सपोर्ट मिल रहा है? ऑफ कोर्स, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, पूरी फैमिली इस पर सपोर्ट कर रही है। और मैं मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अरे आप खुद झाड़ू क्यों कर रही हैं, अरे आप ऐसे क्यों कर रही हैं, तो उनको शायद छोटा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे रोड पे काम करना है या फिर कैफे में काम करना है, या ये मेरा काम है, मेरे लिए कोई भी, इसमें झाड़ू देना भी मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जैसे कि आपके हस्बैंड भी शायद सपोर्ट कर रहे हैं सुनने में? हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, और प्लस मेरे हस्बैंड के कारण ही मैं ज़्यादा बाहर निकल पाई, मतलब इस काम में देखा गया है कि महिलाओं को लोग आगे नहीं लेके जा रहे हैं, बढ़ाते नहीं है कि आगे चलते जाओ, तुम भी काम करो और हम भी काम करें, ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। लेकिन यहाँ पे मिसाल एक बहुत बहुत बड़ा चीज दिख रहा है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं दोनों लोगों को। हाँ, बहुत, मतलब बोले तो ऑफिस आवर के बाद वो आके हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, ऊपर से फाइनेंशियली तो उन्होंने सपोर्ट किया है, फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो और चलिए हम आपको जो स्टॉल है उसके अंदर का भी खासियत दिखाते हैं, किस तरह से फूड बनती है। यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, क्योंकि पेट भरेगा मन नहीं। तो चलिए, कि आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स नॉट फास्ट फूड, इट्स फ्रेश फूड एज फास्ट एज वी कैन इस साइड भी लिखा हुआ है शायद, मैंने देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं चार यहाँ पे बर्नर है जो कि चारों पर शायद यूज होती है, बनाई जाती है डिश। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेफ है उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? इस मंथ या जब से ये ओपनिंग हुआ है तब से? हाँ, जब से। अच्छा, मतलब सुबह में, मतलब कितने टाइम में आते हैं, कितने टाइम आपकी टाइमिंग क्या है? 11 बजे सुबह आते हैं डेरा पे। अच्छा, कैसा लगता है ये काम करके आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये लाइसेंस है? हाँ, लाइसेंस है। आप भी यहाँ पे बनाती हैं या सेफ ही बनाते? नहीं, मतलब जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग मदद करते हैं। कहाँ पे आप रहती हैं यहाँ पर? मैं तो BSV कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन मेरी ननद बोलिंग रोड में रहती है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेकिन आप लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रियंका
प्रियंका जी थी, उनके हस्बैंड हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शिशिर है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा इनको मोटिवेट कर रहे हैं, ज़्यादा साथ दे रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया है बिहार में लोग पसंद नहीं करता, सोचता है कि हम जब कमा रहे हैं तो मेरी वाइफ क्यों कमाएगी, घर का काम करेगी, ऐसा ज़्यादातर सुनने में आता है। ये बहुत ही पुराने ज़माने की सोच है और अगर ये सोच आगे जारी रहेगी तो ये स्टेट उतना जितना इसमें पोटेंशियल है उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। सोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरी वाइफ का कोई पैशन है कुछ करने का तो उसको जितना इनकरेज किया जा सकता है उतना करूँ। मैं मोस्टली बाहर ही रहा हूँ, मतलब अब तक के अपने लाइफ के उसमें काम से रिलेटेड चीज़ों की वजह से बिहार से 28 ईयर से बाहर रहा हूँ। बाहर मैंने टोटली यही सोच देखी है कि आप भी कुछ कीजिए, आपका लाइफ पार्टनर भी कुछ करे, तो उसी सोच की वजह से मैंने जितना असिस्ट कर सकता हूँ उतना असिस्ट किया है अपनी वाइफ। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे आपका, मतलब यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? हम लोग पहले ये बोर्ड कॉलोनी में रहा करते थे अपने साले साहब और उनकी वाइफ के साथ। अच्छा। बट अभी चूंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम परमानेंट हो गया है, हम लोग मूव कर गए हैं बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में यमुना अपार्टमेंट के पीछे हमने अपना एक फ्लैट ले रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूल और टेबल रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे मेनू लेकर जो भी डिश आप ऑर्डर करेंगे आराम से यहाँ बैठकर खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे डस्टबिन भी है खासकर, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हैंड वॉश भी है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है। तो चलिए, यहाँ पे कोई है जो डिश का आनंद ले रहा है, उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? प्रभदीप कौर मेरा नाम है। अच्छा, आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, जो आपने ऑर्डर किया था उसका टेस्ट कैसा था? जी, बहुत बढ़िया टेस्ट था। और मैंने अभी तक बहुत सारी जगह पे खाना खाया है, स्ट्रीट फूड बहुत जगह खाया है पटना में, लेकिन ऐसा टेस्ट मतलब नहीं मिला अभी तक। बहुत ही अच्छा। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि ये लोग बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम, और मैं हमेशा आऊँगी। जैसे कि आपने देखा इन लोगों से बातचीत की है, बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली बात करते हैं, इसलिए आप यहाँ जो भी यहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर आएँ और मेनू का आनंद उठाएं। और यहाँ पर बैठकर आप अलग अलग तरह के डिश भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फैसिलिटी भी दी गई है, पानी की व्यवस्था है, हैंड वॉश की व्यवस्था है, हर तरह से अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें भारत 24/7।